हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। तो ब्लैक कॉफ़ी की रेसिपी के लिए मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट आई थी, तो इसी वजह से मैं आज ब्लैक कॉफ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है पानी, उसके बाद मैंने एक बड़ा चम्मच उसमें कॉफ़ी का ऐड किया है और उसे माइक्रोवेव कर लूँगी 1 मिनट के लिए। और बस मेरी कॉफ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है, तो अभी मैं इसे निकाल लूँगी। और आपके पास माइक्रोवेव है तो अच्छी बात है, अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे गैस पर भी बना सकते हो। काफ़ी सिंपल रेसिपी है और वेट लॉस के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है ब्लैक कॉफी। सो गाइज, मैं ले रही हूँ ब्लैक कॉफी और काफी दिनों से मेरे एक सब्सक्राइबर है, वो रिक्वेस्ट किए जा रही थी कि ब्लैक कॉफी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ मैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ ब्लैक कॉफी की रेसिपी शेयर की है, बट उस टाइम मैंने ऐसे बताया नहीं था आपको, बट उनको चाहिए थी, इसी वजह से मैंने ब्लैक कॉफी की रेसिपी आज शेयर की है। बिल्कुल सिंपल है, पानी लेना है, उसमें कॉफी ऐड करनी है, माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में रखना है आपको, नहीं तो फिर पानी गर्म करना है, उसमें ब्लैक कॉफी ऐड करनी है और जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए, मैं इतना मतलब ये छोटा अगर कप देखो तो वो छोटा कप 2 कप होगा या 1.5 कप होगा, तो इस तरह से ये वाला मग यहाँ तक लेती हूँ मैं। और आपको 1 कप लेना हो तो 1 कप भी ले सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लेना पसंद है तो यहाँ पर मैं इतना कप लेती हूँ, ये वाला मग लेती हूँ। सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद ये वाली कॉफ़ी पीती हूँ, उसके बाद आधा घंटे के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मेरा होता है ब्राउन ब्रेड एंड बटर, कभी स्प्राउट्स वगैरह भिगोने के लिए डाल देती हूँ तो उसकी जो थोड़ा सा सॉटी कर लेती हूँ उसे वो खा लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा ब्रेकफास्ट होता है और ब्रेकफास्ट रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। इससे पहले भी मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, बट जिनको इंटरेस्ट है वो देखते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं देखते, तो इसी वजह से आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं आपके साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूंगी। तो पहले अभी मेरे ब्लैक कॉफी फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी आधे घंटे के बाद, और वो होगा ब्राउन ब्रेड एंड बटर। बस अभी कॉफ़ी फिनिश करूंगी और उसके बाद आधे घंटे के बाद ब्रेकफास्ट करूंगी, तब तक मेरे काम हो जाते हैं। कॉफ़ी फिनिश हो जाने के बाद फिर मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। जिम ना जाना ही नहीं हो रहा है आजकल, जिम मतलब कभी जा रही हूँ कभी नहीं जा रही हूँ, तो ऐसे करके हो रहा है। तो घर पे अगर आप वर्कआउट कर सकते हो तो घर पे वर्कआउट कर लीजिए ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद, तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप जिम जाते हो तो उससे पहले आप ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं तो शाम को जिम जाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, इनके ड्यूटी का टाइम और इनके ब्रेकफास्ट का, बच्चों के टिफिन का सेम ही आ जाता है, वही टाइम एक ही होता है, तो इसी वजह से मेरा सुबह जाना नहीं होता है जिम को, तो इसी वजह से मैं रात को जाती हूँ। बट आजकल ना हेल्थ की वजह से मैं रात शाम को भी जिम नहीं जा रही हूँ, तो अभी कब स्टार्ट करूँगी वो भी नहीं पता मुझे, कब कंटिन्यू करूँगी तो जब कंटिन्यू करूँगी आपको बता ही दूँगी। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मतलब आज है न्यू ईयर, मतलब 1 जनवरी, तो चलिए कॉफ़ी इन्जॉय करती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और इसे ना आपको गर्म गर्म ही पीना है, मतलब गरम ही पीना है सिप सिप करके, मतलब ठंडा नहीं पीना है, एकदम गरम से जैसे आप चाय पीते हो, चाय भी कोई कोई ठंडा पीना पसंद करता है, बट इसे गरम पीना है आपको, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और उन्होंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की थी, यार मुझे भी बुरा लग रहा है अभी कि मतलब वेट लॉस टिप्स दीजिए करके, तो अभी वेट लॉस टिप्स मैं बीच बीच में देती जाऊँगी, मतलब कैसे मेरा वेट लॉस हुआ है और क्या क्या मैंने वेट लॉस के टाइम पे किया था। अभी भी मैं वेट लॉस मतलब अभी हेल्थ की वजह से कुछ हो नहीं रहा है, बट वेट लॉस करना चाहती हूँ मैं अभी भी, अभी भी मेरा जो परफेक्ट शेप है वो मुझे नहीं मिला है, तो इसी वजह से मैं अभी भी वेट लॉस करना चाहती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मेरा लोअर पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मेरा जो टारगेट एरिया है उसे मैं कम करना चाहती हूँ, तो इसी वजह से मैं अभी भी वेट लॉस जर्नी में ही हूँ। तो जब भी मैं मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जब भी मैं जो जो खाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद मैंने सारे काम कर लिए थे अपने, उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए लिया है ये ब्राउन ब्रेड, और ये वाला पालेकर्स का ब्राउन ब्रेड मैं यूज़ करती हूँ, और उसे ना इस तरह से टोस्टर में टोस्ट कर लेती हूँ। तो ये वाला टोस्टर बजाज का है, काफ़ी बार पूछा गया है टोस्टर के बारे में, इसी वजह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मतलब कंपनी का नेम शेयर कर रही हूँ।
इसके बाद आपके टोस्ट रेडी हो जाएंगे, उसके बाद मैं उसे पीनट बटर लगा के खाऊंगी। तो मैं सिंपल बटर यूज़ नहीं करती हूँ, पीनट बटर यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रहता है, तो इसी वजह से ये काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट मतलब ऑप्शन है पीनट बटर एंड ब्रेड। तो इसी वजह से, और फुल भी रखता है काफ़ी देर तक आपको, तो इसी वजह से मैं ही यही ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में खाती हूँ क्योंकि ईजी रेसिपी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। स्प्राउट भी खा लेती हूँ बट इसे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसी वजह से मुझे जब भी कम टाइम रहता है तो यही मैं बना लेती हूँ और यही मैं खाती हूँ ज़्यादातर, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये वाला जो है ब्लू वाला पीनट बटर, ये डॉक्टर ओटकर का है, तो ये क्रंची वाला है, उसमें पीनट्स के जो टुकड़े होते हैं वो होते हैं, तो इसी वजह से वो क्रंची लगता है। और एक क्रीमी वाला भी आता है, तो वो भी मैं लेके आई थी इस बार जब डीमार्ट गए थे, तो दो लेके आए थे, दो वेरायटी के लेके आए थे, क्रंची और क्रीमी वाले दोनों भी लेके आए थे। मैंने आपसे शेयर भी किया था जब मैंने डीमार्ट हॉल आपसे शेयर किया था, उस टाइम मैंने आपको दिखाया था कि दो मैं लेके आई हूँ इस बार, तो यही दो लेके आए थे और यही मैं खाती हूँ। हे गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, जैसे कि आप देख रहे हो, ब्राउन ब्रेड एंड बटर। तो इसे मैं अभी फिनिश करती हूँ क्योंकि मुझे लगी है बहुत जोर से भूख, और आज मैं जो भी कुछ करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि आज 1 जनवरी है 2020 की। अभी मैंने नहाया नहीं है एक्चुअली क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था कल रात को, आपने जैसे कि देखा काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब पार्टी से, मतलब पार्टी मीन्स यहाँ पर ही थी हमारे पड़ोस में, तो हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था और वहाँ पर हम लोगों ने क्या बोलते हैं, वेजिटेबल पुलाव, पुलाव नहीं सॉरी, वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी। तो वो हम लोगों ने मतलब एंजॉय किया वहाँ पे, केक वगैरह रात को कट हुआ, दीदी का बर्थडे भी था वहाँ पे, हम लोगों ने, हमें बताया नहीं बट सरप्राइज दिया, और लास्ट में दो केक लाए थे, एक न्यू ईयर का और एक उनके बर्थडे का, तो वो बर्थडे का केक भी कट किया दीदी ने, और हम लोगों ने फिर सबने मिलके न्यू ईयर का केक भी कट किया। तो ऐसे करके हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। आज नया साल है और नए साल की शुरुआत हो गई है, तो अभी ब्रेड बटर जो है मेरा वेट कर रहा है, मैं इसे फिनिश करती हूँ और नहा के मिलती हूँ आप लोगों से। बस रेडी हो चुकी हूँ और जा रहे हैं हम लोग बाहर। ठंड कितनी है, बहुत ज्यादा ठंड है यार। माय गॉड, माय गॉड, ये इसका शू यार, माही एक तो इतनी ठंड है, बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा है, फिर भी इसकी जिद की वजह से जाना पड़ रहा है। अभी कहाँ जा रहा है ये नहीं पता, बट जा रहा है घूमने, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। और ये इसने मैं कांप रही हूँ, इतनी ज्यादा ठंड है बाहर, मतलब स्नेक आ गया। तो चलिए फिर चलते हैं, और श्रीकांत यही गया है ड्यूटी, तो अभी श्रीकांत के साथ जाते हैं क्योंकि श्रीकांत को ड्यूटी से जल्दी बुलाया आज, और जल्दी कहाँ है, 7 बज रहे हैं, तो चलिए कहीं जाके आ जाते हैं। और पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं, श्रीकांत को भी नहीं पता कहाँ जाने वाले, इसकी जिद की वजह से जाना पड़ रहा है, तो उसको भी नहीं पता कहाँ जाने वाले हैं और मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहाँ भी जाएंगे आप साथ में चलोगे, तो चलिए फिर चलते हैं। पर हम लोगों ने गाड़ी रोकी थी और यहाँ पर ना थोड़ा सा जो ग्रिल सैंडविच है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है बोलते हैं, तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी रोकी थी और हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ का ग्रिल सैंडविच टेस्ट करते हैं आज। और गाड़ी से उतरने का मन नहीं कर रहा था, बट गाइज आपके लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसे बनाया जाता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो शूट करती हूँ, इसी वजह से मैं गाड़ी से उतर गई थी और गाड़ी पर ब्लर लगाया था, बट गाड़ी से उतर गई थी आप लोगों के लिए इतने ठंड में हम लोग, और शूट कर लिया था यहाँ पे। तो ये पहले ग्रीन चटनी लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर की थी, वो ग्रीन चटनी लगाते हैं, फिर जो क्या बोलते हैं खीरे के स्लाइस है वो लंबे लंबे स्लाइस उस पर ऐड करते हैं, उसके बाद टोमेटो ऐड करते हैं, उसके बाद ये चीज़ का जो स्लाइस होता है वो ऐड करते हैं, और इस तरह से उनके पास ग्रिल मशीन होती है। आपके पास अगर ग्रिल सैंडविच मेकर है
तो बहुत ही अच्छा है। और आप ब्राउन ब्रेड की, या सॉरी ब्राउन ब्रेड बोल रहे हो, व्हाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो, बट ये लोग ब्राउन ब्रेड कहाँ देंगे यार, तो वहाँ पर चोसने करना भी अच्छा नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो मिल रहा है वो खा लेंगे। और फिर उसके बाद फिर ऊपर वाले टॉपिंग पे भी वो लोग वो ग्रीन चटनी लगाते हैं ऊपर वाले ब्रेड पे भी, और उसके बाद वो बटर लगा के ऐसे ग्रिल मशीन में रख देते हैं इस तरह से। और बस उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो ग्रिल हो जाएगा, और यहाँ पर सैंडविच ग्रिल हो चुका था, थोड़ी देर के बाद ही ग्रिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐसे चार पीसेस में वो कट करते हैं, एक सैंडविच के चार पीसेस करते हैं, और उसके बाद उसमें ना प्लेट में वाइट सॉस और उनके पास एक मतलब रेड चिली की चटनी होती है वो देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइज। अगर आपके पास ग्रिल सैंडविच मेकर हो तो आप इस तरह से बना के देख सकते हो, इस वजह से मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी और इसके लिए एक लाइक तो बनता है, मैं बाहर निकली हूँ आपके लिए ये रेसिपी शेयर करने के लिए। तो चलिए फिर इसे गाड़ी में लेके जाएंगे और सैंडविच एंजॉय करेंगे। गर्मा गर्म क्या है ये ग्रिल सैंडविच, और हमारे को ये, दिखाओ। अरे यहाँ पर है पिज्जा, दो ग्रिल सैंडविच और दो पिज्जा। हाँ तो एक मिनट, चलिए गर्मा गर्म खा लेते हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने टमाटर खाया, फर्स्ट टाइम। अच्छी बात है, कुछ मुझे अच्छा है खाना, तो स्किन ग्रो होती है। नाही जाऊन बघू ना आपण, नाही बघू ना। गाड़ी तिथे पार्क होती, आतमध्ये होते यार पार्क गाडी, ते पार्किंग सेंटर आहे ना तिथे आणू का गाडी? हो गाडी, हा घेऊन ये। हाँ घेऊन ये घेऊन ये। सो गाइज हम लोग आ गए हैं यहाँ पे माल टेकड़ी, और जो जो अमरावती से है या जो जो अमरावती के आजू बाजू से है उनको पता होगा क्या है, तो बट ये मानी नहीं रही थी माही, और कहीं ना कहीं जाना है, कहीं जाना है करके, और इसकी जीत के आगे हारना पड़ा। हम लोगों ने पिज्ज़ा वगैरह खाया, वो सैंडविच खाया, मतलब पेट पूजा तो हमारी हो चुकी है, हमने गाड़ी में ही की क्योंकि बाहर तो यही नहीं है। पहले उधर जाने का मन था डोमिनोज वगैरह, बट इसको इधर आना था तो यहाँ पर कोई पिज़्ज़ा शॉप नहीं थी, तो वहाँ पर हमें क्या बोलते कहाँ क्या नहीं, ये क्या बोल रहा है पता नहीं। हम दोनों की चैटर, अच्छा इनकी चैटर पटर क्या चल रही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लोकेशन है, ये मतलब ऊपर टेकड़ी है, क्या बोलते तो हिल है, ऊपर बहुत ऊपर जाना पड़ता है, तो और यहाँ से पूरी सिटी का नज़ारा दिखता है। तो यहाँ पर ना पुलिस ट्रेनिंग के लिए, मतलब ट्रेनिंग नहीं क्या बोलते हैं पुलिस के लिए, ट्रेनिंग ही नहीं पुलिस की, वो क्या बोलते हैं उसे, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट था अपना, ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं ना यार वो, नहीं ना प्रैक्टिस, पुलिस की प्रैक्टिस, ट्रेनिंग भी आते क्या? तो यहाँ पर पुलिस की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे होती है, तो मतलब ऊपर तक चढ़ने के लिए, मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं हिल है, तो अरे बाप रे मेरा तो अभी से थक गई हूँ, और उसमें ठंड बहुत ज़्यादा ना, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है मैं अभी से थक गई हूँ। और अरे यार शू पहन के आना चाहिए था, मैंने चप्पल पहन के आई हूँ, मैं इसी वजह से शू पहन के आते तो कुछ नहीं लगता, लेकिन ना ठंडी की वजह से बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, इस बार बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसा लग भी नहीं रहा है महाराष्ट्र की ठंड नहीं लग रही है।
चलो आ गया शिका। हाँ दे कुटे ही तू फर्स्ट टाइम होता, ये कहीं पर भी फर्स्ट टाइम ही जाता। ठंडी हवा, हम टॉप पर आ गए अभी, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। और आपको सीढ़ियाँ दिखाती हूँ मैं आगे, मतलब लोकेशन अच्छा है बट आज कोई भी नहीं है यार यहाँ पे। सुबह होंगे बट अभी बहुत लेट हो गया हमें इस वजह से। बट आज ये जगह पे आने का क्या है मतलब ये। मुझे आ रही है नींद अब, तो मैं सोने वाली हूँ। और हाँ आज भी एंजॉय हुआ, और माही का एंजॉय हुआ है नहीं बता। बहुत और हाँ, जाना है और जाना है बोल रही है। अभी इतना ज़्यादा घूम के आ गए सारा कुछ, और इसको जो चाहिए था वही किया हम लोगों ने, फिर भी इसको और जाना है, मज़ा आ रहा है बहुत। है नहीं अभी, सॉरी। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मैं सो जाती हूँ, अभी बहुत लेट हो गया है। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स, वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।